देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी जो मुल्की सियासी क़्यादत है ना, कोरोना को लेकर इनके अंदर हम आहंगी कभी भी नहीं रही, और ये उसी इनके तजाद और हम आहंगी के ना होने और यकजहती के ना होने का नतीजा है कि मुनासिब SOPs ही नहीं बन सके आज तक। जो अभी तक हमें दिए गए हैं वो भी मुनासिब नहीं है, और हम जो स्टेक होल्डर्स थे हमारे मुताबिक उन SOPs को ढाला ही नहीं गया। मैं आपके इस प्रोग्राम में पहले भी ये शोर शराबा करता रहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया पे मैं ये बात करता रहा कि बुनियादी एक SOP है जिसने कोरोना से हमें बचाना है, वो ये है, सादा सा SOP है कि हमने रश नहीं होने देना, हमने फासला रखना है, और हमने अपने कारोबार इसी अंदाज में खोलने हैं कि ये फासला बरकरार रहे। अब उसके हवाले से मैंने आप ही के प्रोग्राम में इस बात को दोहराया, पहले भी दोहरा चुका था दूसरे प्रोग्रामों में, कि आपने जिन शोबा जात को यानी एसेंशियल आइटम्स को आपने खोला है वहाँ पर आपने जो महदूद वक्त किया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रश को बढ़ाने की। और रश जो होता है जब बढ़ता है तो SOPs अब्यूज़ हो जाते हैं, तो इन्होंने हमारी इस बात पर कान नहीं धरा। और फिर हमने कहा कि जब आप लॉकडाउन खोलने जाएंगे तो जब आप लॉकडाउन खोलने जाएंगे तो आपने ईद के त्यौहार से मुंसलिक जितने भी कारोबार हैं आपने उनको 24 घंटे के लिए खोलना है, आपने उन्हें महदूद वक्त के लिए नहीं खोलना। इन्होंने एक जुल्म ये किया कि महदूद वक्त के लिए कारोबार को खोल दिया, और दूसरा इन्होंने जुल्म ये किया, इन्होंने हफ्ते में 3 दिन कारोबार भी बंद कर दिया। अब मुझे बताएं कि होलसेल मार्केट्स के SOPs तो 8 से 5 चल सकते हैं, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं, जो एसेंशियल आइटम्स की या फूड रिलेटेड बिजनेस हैं या ईद रिलेटेड बिजनेस हैं, वहां पर तो ये SOPs चल ही नहीं सकते, वहां पे तो रश जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं मीर साहब, मैं जरा इसमें, मुझे बड़े बड़े अहम नुक्ते आपने उठा दिए हैं, अहम नुक्ते आपने उठा दिए हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आपने रश देखा है, क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ हाँ और ना मैं बता दें कि सही है गलत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हुकूमत के गलत SOPs का नतीजा है। इसमें हमारी हमारा कसूर कम है, हुकूमत के गलत SOPs का कसूर ज्यादा है। नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, एक दिन मैंने भी गुजारा NCOC में, जहां मुझे सूबों और सेंटर के दरमियान में जो बातचीत थी उसको देखने का मौका मिला। वहां मैंने देखा कि वफाक ने यह प्रपोजल दिया कि रात के 12 बजे तक दुकानें जो हैं रिटेल की कारोबार खुले रहें ताकि रश ना हो। पंजाब ने और सिंध ने, सूबों ने यह कहा कि नहीं जी 5 बजे बंद कर दें, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, 5 बजे के बाद अगर खुला रहेगा तो इफ्तार के बाद लोग सारे उसी टाइम में आएंगे। अब ये आपने सुना है नई मीर साहब को जो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो महदूद घंटे हैं, ये जो महदूद औकात हैं, इसकी वजह से इंटेंसिटी और प्रेशर बढ़ता है, और ये 7 दिन खुले होने चाहिए रात के 12-12 बजे तक, और ईद से पहले तो इसको 24 घंटे खोल दें ताकि रश और इंटेंसिटी कम हो, लोगों को पता हो, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर रही है चीज। तो आपका प्रपोजल अनइंटेलिजेंट है, इन अदर वर्ड्स। सर देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो ये जो फैसले किए गए कि खुशी से नहीं किए किसी ने भी, ये जो चीजें देखी जहाँ पे ये वायरस है, बैरून ममालिक जहाँ पे इसको कामयाबी से फेस किया गया, उसमें कमी आई, वो इन्हीं चीज़ों से आई कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए, और इसी वजह से किया। ये भी जो इस वक्त का लॉकडाउन है, अगर आप माहिरीन की बात सुने तो वो कहते हैं कि ये भी आप सब ने हमारे ऊपर अभी से तनकीद शुरू हो गई है, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ये आपने गलत कर दिया। लेकिन हमें अपने मुआशी हालात को देखते हुए, हमें हमारे मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है मीर साहब, और मुझे अंदाजा है कि जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन ये हालात नॉर्मल नहीं है कि जिनमें कोई नॉर्मल दिनों में हमने इस तरह की कोई कदगन लगा दें या कोई पाबंदियां लगा दें, ये सब बड़ी। लेकिन शाह साहब, वो तो आपकी लॉजिक को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी मंतक को क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लॉजिक आपने अप्लाई किया उस लॉजिक के नतीजे ठीक नहीं निकल रहे। देखिये, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये लॉजिक जो है, अब मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि ये लॉजिक कहाँ पे चलती है ज्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर दूं कि अगर जैसे रात का प्रपोजल था, आप थे उस मीटिंग में, वहीं पे ही या उससे पहले जो एक मीटिंग हो चुकी थी और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब वाली मीटिंग हुई, उसमें यही बात सामने आई बाद में कि अगर आप रात का सिर्फ वो टाइम देते हैं तो लोग मोस्टली आएंगे ही उसी टाइम पे, रात का जो टाइम होगा। अच्छा, उसके अलावा हमें अपने इन्फोर्सर्स का भी ख्याल रखना है जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो रोड पे होते हैं, मार्केट्स में, इधर उधर हर जगह पे उन्होंने होना होता है,
तो वो कैसे मेंटेन करेंगे? तो हमें आज ही आप देख लें, हर जगह से शिकायत आ रही है कि किसी चीज पर अमल नहीं हुआ, वाकई अमल नहीं हुआ, और हमने भी पहले दिन है, एक दो दिन है इसको देख रहे हैं, लेकिन इनमें SOPs बनाएंगे और हम सब मिलकर साथ बनाएंगे। मैं तो अपने सूबे के जो ताजिर बरादरी है, जाहिर है मीसा वाले भी उसी में ही होंगे, सारे मुल्क के सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने तो खुद हमें कहा है कि हम अपने कैंप लगा रहे हैं हर मार्केट में, हर जगह पे अवेयरनेस भी देंगे और एक्शन में भी उनको साथ, CM साहब ने कहा है कि आप साथ हों, और उन्होंने भी हामी भरी है लॉ एनफोर्समेंट के साथ, वो भी होंगे कि इन SOPs पर अगर कोई अमल नहीं कराता तो। दूसरी बात यह है कि एक अगर प्रॉपर लॉकडाउन था पूरे मुल्क में काफी हद तक, और अब अगर उसमें कोई ये रियायत दी गई है, उसको नरम कह दें, सॉफ्ट कह दें, स्मार्ट लॉकडाउन कह दें, जो भी कह दें, तो अब जब हुआ है तो इसको देखा जा रहा है ना, अगर इन SOPs पर अमल करेंगे हमारी ताजिर बरादरी तो हम इसको टाइम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया आज, ये बात इम्पोर्टेंट है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, सही बात है, हम इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसमें इनकी हमें कारकर्दगी देखनी होगी कि ये किस तरह उसको जो है कितना कोऑपरेट करते हैं। शाह साहब मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस अहम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नासिर वेलकम बैक। नासिर गुफ्तगू का आगाज नासिर हुसैन शाह साहब से ही करते हैं एक दफ़ा फिर। नासिर हुसैन शाह साहब, आज बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि मुझसे 18th Amendment की बात ना करें, कोरोना पे ही बात कर लेते हैं। फिर कोरोना पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेंटर के पास, सेंटर को ज़्यादा सूबों की मदद करनी चाहिए और हेल्थ के पेंडेमिक जो है वो सूबा उसका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, उसको रिसोर्सेज चाहिए। अब 18th Amendment पे जो वावेला है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिवीजन ऐसे हो गई है कि, और जो 7th NFC अवार्ड है उसके बाद से, कि 58% जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, 58% वो तो सूबों को जा रहा है और 42% जो है वो सेंटर के पास है, जिसमें से सेंटर ने डेट रिपेमेंट भी करनी है, डिफेंस भी चलाना है। तो एक तरफ से तो सिंध 18वीं तरमीम को बिल्कुल कालाबाग डैम बना के बैठा है, दूसरी तरफ से सिंध तवक्को करता है कि सेंटर उसको मजीद फाइनेंशियल हेल्प मदद करे। ये दोनों में तजाद नहीं है नासिर साहब, शाह साहब? सर आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आज पता नहीं क्यों सर आप इधर से बात उधर लेके जा रहे हैं, उधर से इधर ला रहे हैं। मैं सर आपको यह अर्ज करूँ, 18वीं तरमीम जाहिर है कोई सहीफा नहीं है, उसमें कोई बात नहीं हो सकती, बात बिल्कुल हो सकती है, बल्कि इस वक्त तो हम कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर जो अमल होना था वो अभी तक मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं, और पहले तो उस पर अमल किया जाए और फिर उसके बाद देखा जाए। रही बात जो इमदाद की बात है, देखें सर इशू ये है कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के पास जो उन्होंने पेमेंट करनी थी उसकी मद में, लोन की मद में, इंटरेस्ट की मद में, वो डेफर हुई हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिला हुआ है। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हुई हैं, वो डिफरेंस जो टैक्सेस का है वो भी अपनी जगह पे है। फिर बाहर से जो भी सपोर्ट मिलती है वो भी फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है, सॉवरेन गारंटी भी इनके पास है। और बिल्कुल ईजी बात करूँ मैं, नोट छापने वाली जो फैक्ट्री कह लें या जो कुछ है वो भी इनके पास है, नए नोट छाप, नोट तो छाप नहीं सकते ना अब आजकल के हालात में। मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि इस तरह की जो चीजें हैं या बाहर की, जो चेयरमैन साहब ने जो बात की है उस पहराए में की है कि जो बाहर से कोई फंड मिलता है, रिलीफ मिलता है, दीगर चीजें आती हैं, जो भी सिलसिला है, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को मुकम्मल सपोर्ट करे। और मैं एक और भी वजाहत कर दूं कि चेयरमैन बिलावल साहब ने जब भी बात की है, उनकी उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो कुछ ऐसा पहले कराची में हुई, आज भी हुई, या वैसे भी वो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप सिंध को सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं आप बलूचिस्तान को सपोर्ट करें, KP को करें, पंजाब को करें, आज़ाद कश्मीर को करें, GB को करें, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन एक इशू तो फिर ये भी लोगों के जहन में आता है ना कि 18वीं तरमीम का बुनियादी मकसद यह था कि डेवोल्यूशन होगी, डिस्ट्रिक्ट तक, तहसील तक, शहर तक जाएगी। अब कराची शहर है जहां वो डेवोल्यूशन नहीं हुई है, अभी खुरम शेर जमान साहब आपके साथ हैं कि नहीं, सिंध की हद तक तो आपको पावर मिल गई लेकिन कराची को नहीं दी आपने। चले मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मैं आज तो देखें, आज खुरम शेर जमान साहब मेरे मोहतरम हैं और आज उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं, तो मैं वो जो कंट्रोवर्सी वाली बात है, बहुत सारे जवाब हैं जो देने, वो किसी और प्रोग्राम में, हम आपका प्रोग्राम एक अच्छी तरफ जा रहा है तो उसको इस पे ही रहने दें। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये जो खुरम साहब कह रहे हैं या आपने कहा थर्ड ईयर की बात की,
सिर्फ एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त जो भी हमारा कानून बना हुआ है बल्दियात का, उसके तहत हर चीज जो है वो उस पर काम हो रहा है, वो चीजें मिली हुई हैं, उसमें बेहतरी आनी चाहिए नीचे। और मैं तो खुद जाती तौर पर डेवोल्यूशन का हामी रहा हूँ अब भी, और हम उस पर मशावरत कर रहे हैं। नया जो कानून आएगा उसमें हम लोग मजीद बेहतर करेंगे, इनको ज्यादा एम्पावर करेंगे फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, पंजाब में जो बल्दियाती जो थी बॉडीज, लोकल बॉडीज जो थी, वो दो साल पहले खत्म कर दी गई और उनके इलेक्शन आज तक नहीं हुए। केपी में ड्यू है इलेक्शन, बहुत अच्छे से लोकल गवर्नमेंट के वहां नहीं हो रहे। बलूचिस्तान में नहीं हुए। सिर्फ हमने जो यहाँ पे हो रहा है और जहाँ पे सही तरीके से काम चल रहा है, थोड़ा बहुत इख्तलाफात जरूर होते हैं,